1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद शायद यह सबसे अलग तरह का पत्राचार था। अगस्त 1976 में भारत सरकार को पड़ोसी देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा था, आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और आपको याद दिलाना इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगी। घटना जयपुर राजघराने से संबंधित है। यह खजाने की खोज का अभियान जयपुर के नज़दीक बने जयगढ़ किले में चलाया गया था। यह किला राजा जयसिंह द्वितीय ने 1726 में बनवाया था। यह एक सुरंग के जरिए आमेर किले में जुड़ा है, जिसे 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। मानसिंह अकबर के दरबार में सेनापति थे और अकबर की पहली राजपूत रानी हरकाबाई के भतीजे भी थे। ऐसा माना जाता है कि हरकाबाई को ही जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कई लड़ाइयाँ ली और जीती। कहा जाता है कि एक ऐसी ही लड़ाई लड़ी जो अफगान में लड़ी गई। वहाँ उन्होंने विद्रोह को कुचला और टनों सोना चांदी लेकर अपने साथ भारत लौटा। कहा जाता है कि संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत को ना देकर आमेर के किले में छुपा दी। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब अंबेरी के मुताबिक जयगढ़ किले में अनूप सोना चांदी छुपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी के साथ विशाल कई टंकियाँ बनी हैं। माना जाता है कि खजाना इन्हीं टंकियों में छुपा है। इस खजाने की चर्चा 1976 में दुनिया भर में हुई। उस समय जयपुर राजघराने का प्रतिनिधित्व महारानी गायत्री देवी कर रही थी। स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए लगातार 3 बार कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने वाली गायत्री देवी इंदिरा गांधी की प्रबल विरोधी थी। 1975 में जब देश में आपातकालन लगाया गया तो गायत्री देवी ने इसका विरोध किया। हालांकि इस दौरान उन्हें बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मीसा के तहत जेल में नहीं भेजा गया। उन्हें विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाकर जेल में भेजा गया। बाद में इसी को आधार बनाकर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। कहा जाता है कि यह कार्रवाई किले में कथित रूप से छिपाए गए खजाने की तलाश में की गई थी। आयकर विभाग के साथ साथ इस कार्रवाई में पुलिस के दस्ते भी शामिल थे। बाद में इसमें सेना की एक टुकड़ी को भी लगाया गया। उस वक्त 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज का काम चला था। जब यह जांच खत्म हुई तो सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि किले में कोई खजाना नहीं है, लेकिन सरकार के कई बयान के बावजूद लोगों का संदेह उन पर हमेशा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो इसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले में खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया और सरकार इसे जनता की नज़रों से छिपाना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। खुद गायत्री देवी ने हमेशा इस बात को इनकार किया कि जयगढ़ किले कोई खजाना था। इतिहासकारों के एक तबके की राय यह भी है कि जयगढ़ किले में खजाना था, लेकिन राजा जयसिंह ने उसी की मदद से जयपुर शहर का विकास किया, इसलिए वह पूरी की पूरी संपत्ति कब की ख़त्म हो चुकी है। लेकिन राजघराने के कुछ सदस्य इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। वे दावा करते हैं कि छापे की कार्रवाई में सरकार को किले से जमा संपत्ति का कुछ हिस्सा मिला था। एक बात यह भी कही जाती है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले से बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया गया था। हालांकि इन सभी दावों के बीच कोई भी पक्ष पुख्ता तौर पर खजाने के बारे में कुछ नहीं बताता। जहां तक जुल्फिकार अली भुट्टो के पत्र की बात है तो उन्हें दिसंबर 1976 में आधिकारिक पत्र के जरिए जवाब दे दिया गया था। इसमें इंदिरा गांधी ने लिखा, हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे वहाँ खजाने जैसा कुछ भी नहीं मिला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।